Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. This is your science class and we are reading lesson number 10, Force, Work and Energy. We will continue our previous topic and what was that? Yes, it was about simple machines. So, aap sab bache apni science books kholo. पेज नंबर 93 पे आज आपका टॉपिक है और हमको क्या पढ़ना है सिंपल मशीन्स के बारे में. सिंपल मशीन्स क्या होता है बेटा? सिंपल मशीन्स एक डिवाइस होता है जिससे हमारे जो डे टू डे वर्क है वो तेज़ी से होते हैं और हमें काफ़ी लेस एफर्ट लेस फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. सिंपल मशीन्स में हमने अब तक पढ़ा व्हील एंड एक्सल. आज जो बाकी सिंपल मशीन्स आपकी बुक पे मेंशन है उनके बारे में हमें पढ़ना है. तो सब बच्चे अपनी साइंस बुक्स खोलो पेज नंबर 93. तो पहले जो हमारे सिंपल मशीन है वो है इंक्लाइन प्लेन. हमें पढ़ना है इंक्लाइन प्लेन के बारे में. इंक्लाइन प्लेन जो है ये एक सिंपल मशीन है एक स्लोप की शक्ल में. स्लोप मीन्स थोड़ा सा जब से ऊपर से नीचे को आते हैं जिसको हम स्लोप बोलते हैं. ये इंक्लाइन प्लेन हम इस्तेमाल करते हैं हेवी जो भारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हमें मूव करना होता है किसी ऊंची जगह की ओर या किसी नीची जगह की ओर, या ऐसे कहाँ गोब चीज़ जो ऐसे और आसान खोलूँ स्लोपस ना चो आसान बन वालूँ. तमें वीज कम सिंपल मशीन इस्तेमाल से इसका ना टच बना इंक्लाइन प्लेन. इंक्लाइन प्लेन में क्या होता है ऑब्जेक्ट्स जो चीज़ें होती है वो आसानी से रोल हो जाती है ज़मीन पर डाउन और जो तक ग्राउंड. जब हमें कोई अगर ऊपर से हमें कोई पत्थर रोल करके तो उस वक्त हम एक सिंपल मशीन या इंक्लाइन प्लेन का इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह इंक्लाइन प्लेन एक वुडन प्लैंक है. ये वुडन प्लैंक क्या होता है? ये एक फ्लैट सपोर्टिंग सरफेस होती है जिसमें एक एंड जो है वो हायर होता है और दूसरा एंड जो है वो उससे लोअर होता है. यानी यूजन वुडन प्लैंक यह सरफेस आसान सपोर्टिंग सरफेस जो जन फ्लैट आसान अच्छ एंड आसान थोद पहान ब्याक एंड आसान लोअर बन पहान. अम सत क्या वुडन प्लैंक से इस जब हमें कोई हेवी लोड हेवी चीज़ें जो है हमें ट्रक्स में लादनी होती है उस वक्त हम उस वुडन प्लैंक का इस्तेमाल करते हैं जो एक इंक्लाइन प्लेन है. दूसरी जो सिंपल मशीन है वो है पुली. आपको ये इंक्लाइन प्लेन समझ आया बेटा? अब जो दूसरी सिंपल मशीन है वो है पुली. पुली जो है इसमें एक ग्रूड व्हील होता है पहिया होता है जो ग्रूड होता है. ग्रूड मीन्स उसमें पर्लर मार्क्स बने होते हैं तथा सही में कट सी निशान ही तथा इस वन ग्रूड तथा सही में कट ही दित. और एक रस्सी होती है जिससे हम वजन को अगर हमें को ऊपर लेना है या नीचे डालना है उस वक्त हम इस पुली का इस्तेमाल करते हैं. इसमें जो रस्सी होती है रोप होती है उससे हम जब हम वेल से पानी निकालते हैं तो उस वक्त हम किस उसी रस्सी का इस्तेमाल करते हैं. और उस रस्सी में क्या होता है उसमें पुली लगी होती है. तो ये पुली भी एक सिंपल मशीन है. समझ आया आपको? अब एक और सिंपल मशीन जो है उसका नाम है लीवर. लीवर जो है एक बार है रिजिड बार. रिजिड मीन्स टफ काफ़ी सख्त एक बार होता है जिसमें एक पॉइंट फिक्स्ड होता है जिस उस पॉइंट को हम फल्क्रम बोलते हैं. उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं बेटा? फल्क्रम कहते हैं. लीवर जो है उससे हम वजन जो है लिफ्ट करते हैं किसी वजन को ऊपर उठाते हैं या हमें किसी चीज़ को कट करना है काटना है तो हम लीवर का इस्तेमाल करते हैं. जैसे आपकी बुक पे एग्जांपल्स है सीसा है नट क्रैकर है जिसे हम नट्स को क्रैक करते हैं. बॉटल ओपनर है आपको कोई बॉटल खोलनी होती है तो वो भी एक लीवर होता है. ये कुछ एग्जांपल्स है बेटा लीवर की. समझ आया आपको? अब नेक्स्ट जो है उस सिंपल मशीन का नाम क्या है? वेज. वेज जो है उसमें दो इंक्लाइन प्लेन्स होती है जिनका एज जो है सिरा होता है वो काफ़ी शार्प होता है. यानी वेज मच आसान ज इंक्लाइन प्लेन तो सो एंड तुहद जन आसान सुसान वारिया शार्प. शार्प मीन्स तेज सिरा होता है उनका. ये वेज जो है ये कटिंग के काम आता है काटने के काम आता है.
एक्स जो आपके घर में कुल्हाड़ी है वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी। इसी तरह से नाइफ, चाकू, रेजर जिसको ब्लेड बोलते हैं, ये एग्जाम्पल्स ऑफ वेज है। तो ये सब क्या है, ये सिंपल मशीन है। एक्स जो है, नाइफ जो है, रेजर जो है, ये सब क्या है, ये सिंपल मशीन्स है। अब लास्ट में कौन सी सिंपल मशीन के बारे में आपको पढ़ना है, स्क्रू। स्क्रू जो है ये एक इंक्लाइन प्लेन है जो एक रॉड के गिर्द वाउंड है, यानी रॉड अंद अंद आसान लगवित, अच्छे से वना स्क्रू। ये बिल्कुल एक कील की तरह दिखता है। ये स्क्रू जो है जिस तरह कील होता है, क्यूल आसान तथे कंच आसान स्क्रू तिल तमी शक्ल कील की शक्ल, मगर अत मे चीज अत मे ग्रूव्स मैं वही तो वोन ग्रूव मीन्स कट्स, अच्छा ये कट्स ही बन निशान बन, इसको बोलते हैं बेटा स्क्रू। जब भी हमें गाड़ी को लिफ्ट करना होता है तो वो किससे करते हैं, उसका नाम होता है जैक। जैक से हम गाड़ी को ऊपर उठाते हैं। तो ये जैक जो है ये किसकी एग्जाम्पल है, ये स्क्रू की एग्जाम्पल है। समझ आए आपको, ये सब क्या थे, ये सब सिंपल मशीन्स थे जिससे हमारी हमारा काम जो है वो तेज़ी से होता है और हमें काफ़ी कम एफर्ट भी इस्तेमाल करना पड़ता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब इसमें जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स मेंशन हुए हैं उनके बेटा आप स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करोगे। लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ। इंक्लाइन प्लेन, एंड इंक्लाइन प्लेन इज अ सिंपल मशीन इन द फॉर्म ऑफ अ स्लोप यूज्ड टू मूव हेवी ऑब्जेक्ट्स टू अ हायर और लोअर प्लेस। ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑब्जेक्ट्स कैन ईजली बी रोल्ड अप और डाउन ऑन टू द ग्राउंड। A wooden plank used to load heavy objects onto the trucks is an inclined plane pulley. It uses a grooved wheel and a rope to raise, lower, or move a weight. The rope used to draw water from the wells has pulley. Lever. A lever is a rigid bar fixed at one point called the fulcrum. It's used to lift weights or cut articles. Seesaw, nutcracker, bottle opener are some examples of the lever. Wedge. The wedge has two inclined planes ending in a sharp edge. This helps in cutting. An axe is the best example of it. Knife, razor are other examples of wedge. Screw. The screw is an inclined plane wound around a rod. It looks like a nail with grooves. The jack used for lifting vehicles is an example of screw. This is all for today. Okay, Allah Hafiz.